इसी साल से मेरा ये सवाल है कि अक्सर ये जब ये सिलसिला सवालात का जारी होता है तो अक्सर ऐसे होता है कि सवालात के दौरान इशा की अजान शुरू हो जाती है। तो बाज़ औक़ात ऐसा मसला जारी होता है कि जिसमें बड़ी तवज्जो तलब होता है वो मसला, और उधर से अजान शुरू हो जाती है। क्या ऐसे मामला में वो टीवी ऑफ कर दें या मसला सुना जाए? चूंकि नमाजों के औकात में फ़र्क है शहरों के अंदर, कराची में थोड़ा सा देर से नमाज होती है, पंजाब वगैरह या खैबर पख्तूनख्वा में जल्दी हो जाती है, 10-15 मिनट का उमूमन फ़र्क आ जाता है। सवाल का जवाब जारी था, मसला सीख रहे थे कि अज़ान इशा हो गई, तो अब क्या करें, क्या अमल करें, मदनी चैनल के लिए टीवी ऑफ कर दें, उठकर चले जाएं, क्या इसमें मामला होना चाहिए? देखें, अजान का जो जवाब देना है ये इंतहाई सवाब का काम है। हदीसों के अंदर इसकी बड़ी तरगीब आई है, माशाल्लाह। और एक हदीस पाक के मुताबिक तो जो इस्लामी बहन औरत जो है वो अजान का जवाब देती है तो हर हर कलीमे के बदले, अजान के हर कलीमे के बदले उसको 1 लाख निकिया दी जाती हैं, माशाल्लाह, और मर्द को जो है वो 2 लाख निकिया दी जाती दोना हैं। सवाब। तो अमूमी तौर पर जब अजान हो तो बंदे को उससे गाफिल नहीं होना चाहिए, उसको अजान का जवाब देना चाहिए कि इतनी सारी नेकियां जब उसको मिलेंगी तो कल बरोज़े कयामत इसकी अहमियत का हमें एहसास होगा, कितनी सारी ये नेकियां हैं। तो आम तौर पर जब अजान हो तो उसका जवाब देना चाहिए और उसका सवाब कमाना चाहिए, और बंदे को खामोश रहना चाहिए कि कई फजीलतें इस हवाले से और कई वाकयात बुजुर्गों के मिलते हैं कि अजान के एहतराम की वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उनके ऊपर कैसी कैसी नेमतें की। अब ये जो खास सूरत हाल है कि शरई मसला सुन रहे थे, मसला अहमियत का हामिल था और इस बात का अंदाज़ा भी है कि अगर मैं अजान का जवाब देने के लिए या अजान सुनने के लिए बंद कर देता हूँ मदनी चैनल तो ये मसला मुझे समझ भी नहीं आएगा ठीक और है, बाद में मिलना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगा। सही, अब बाद में ना भी मिले तो चूंकि समझ रहे हैं, सीख रहे हैं, इस इल्मे दीन वक्त अगर हासिल कर रहे अजान हो हैं। गई तो अब इनके ऊपर उसको बंद करना ये ज़रूरी नहीं है। ठीक, जबकि तो ये ये सुन भी रहे हैं, तवज्जो भी है। ठीक तवज्जो है, पूरी तवज्जो के साथ सुनते हैं तो ठीक है, सुने, क्योंकि है, इल्म हासिल करना ये इबादत से अफजल है। अजान सुभानअल्लाह, का जवाब देना इबादत है, अच्छी बात है, ठीक देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे चूंकि इल्म हासिल कर रहे हैं और इल्म हासिल करने की नीयत से बैठे हुए हैं है। तो इल्म हासिल करने का सवाब इनको मिलेगा, तो ये अफजल इबादत है जिसको ये सुन रहे हैं। दीगर ऐसे काम ना करें कि जिससे अजान के एहतराम में कोई कमी आती हो, अजान होती रहे लेकिन ये अपनी तवज्जो मुकम्मल तौर पर सुनते रहेंगे तो इसमें कोई हर्ज नहीं, ऐसा ठीक है, कर सकते कर हैं। सकते।